तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हमारा जो इन्फिनिक्स नोट 35G स्मार्टफोन है, इसमें एंड्रॉयड 14 के अपडेट के बाद से काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है हमारे सामने इंटरफेस हो रही हैं। और दोस्तों, कई सारे स्मार्टफोन में जो है ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो स्मार्टफोन है इसमें आपके जो कैमरा ऐप हैं वो डुअल होके सामने आ रहे हैं। दोस्तों, कैमरे ऐप की ही बात नहीं है, इसमें कई सारे ऐप्स हैं जैसे कि गूगल मैप है, वो आपके सामने जो है डुअल ऐप के नाम से आ रहा है। मतलब दो दो ऐप आपको जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्लोन ऐप आपको दिखाई दे रहे हैं। और किसी किसी स्मार्टफोन में आपको जो इन्फिनिक्स नोट 35G स्मार्टफोन में डुअल कैमरा ऐप दिखाई दे रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अपडेट के बाद से जो है आपको इसमें डुअल कैमरा ऐप दिखाई दे रहा है उसका मतलब क्या है, क्या कुछ हम उसका जो है अलग से यूज कर सकते हैं, कैसा क्या सिस्टम है, सारी चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और हमारे न्यू कूल ऑफिसर डे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, हमारे पास है इन्फिनिक्स का इन्फिनिक्स नोट 35G स्मार्टफोन। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस स्मार्टफोन में जो एंड्रॉयड 14 के न्यू अपडेट के बाद जो है डुअल एप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इसमें जो है डुअल कैमरा एप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें आपको कैसी क्या जो है यहाँ पर किस लिए देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, इन दोनों एक जो कैमरे हैं, ये जो डुअल कैमरे आपको देखने को मिल रहे हैं, इनमें आपको कौन कौन सा फर्क देखने को मिल रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे सामने यहाँ पर जो है दो कैमरे, यहाँ पर एक कैमरा एक है और दोस्तों ये जो है कैमरा दूसरा, दोनों आपको साथ में देखने को मिल रहा है। तो ये क्यों देखने को मिल रहा है, अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, मैं पहला कैमरा ओपन करता हूँ। यहाँ पर हमने पहला कैमरा ओपन किया, पहला कैमरा हमारा सेम टू सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ओपन हो रहा है। इसके फीचर्स के बारे में बात करें, सारे फीचर्स इसमें आप देख सकते हैं, जो पुराने फीचर्स थे वही फीचर्स इसमें जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पर जो है हम ओपन करते हैं, जो हमारे फोटोज़ रहते हैं उन्हें ओपन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए फोटोज़ हमारे सारे वीडियोज जो हमने शूट किए हैं वो ओपन हो रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सेकेंड कैमरा देख लेते हैं। सेकेंड कैमरा आप यहां पर देख सकते हैं, ये कैमरा सेकेंड है जो यहां पर आपको क्लोन टाइप का होता है, जैसे कि मैंने व्हाट्सअप क्लोन करके रखा है वैसे ही कैमरा क्लोन हो गया। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊं, कैमरा क्लोन वाला ऑप्शन जो है इन्फिनिक्स में नहीं है, ये अपडेट के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है ऐड हुआ है। अब दोस्तों हम सेकेंड कैमरा भी यहाँ पर जो ओपन करके देख लेते हैं, ये हमने कर लिया है सेकेंड कैमरा ओपन। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, सेकेंड कैमरे का जो रेशियो से यहाँ पर जो कम कर लेते हैं। अब दोस्तों इसमें फीचर्स देख लेते हैं, सारे फीचर्स इसमें सेम है। देखिए फिल्म, वीडियो, एआई कैमरा, ब्यूटी, पोर्ट्रेट, सारे फीचर्स इसमें सेम आ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर लेकिन एक चीज़ का डिफरेंस है जो कि हमें देखने को मिल रहा है सेकेंड कैमरे में और फर्स्ट कैमरे में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी जो फोटोज़ हैं, वीडियोस हैं जो आप शूट कर रहे हैं, इधर आपको दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर देखिए मैं शूट कर लेता हूँ, तो ये जो है यहाँ पर देखने को आप यहाँ पर जो नहीं देख सकते। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो ये ओपन नहीं हो रही है। वहीं हम बात करें तो यहाँ पर देखिए हमारा जो पहला कैमरा है इसमें ओपन करते हैं, तो इसमें हमने जो फ़ोटो शूट की थी हमारे सेकेंड कैमरे से वो इधर नहीं आ रही है। आ रही है क्या? नहीं आ रही है दोस्तों। वहीं बात करें हमारे सेकेंड कैमरे में, तो यहाँ पर देखिए सेकेंड कैमरा ओपन करते हैं, यहाँ पर टच नहीं हो रही है, मतलब इसकी जो फोटो से यहाँ पर ओपन ही नहीं हो रही है। अब दोस्तों एक और काम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा जो एआई गैलरी वाला ऑप्शन है, एआई गैलरी में आ जाते हैं, कैमरे का जो ऑप्शन है कैमरे के ऑप्शन में देख लेते कि भाई आ रही है कि नहीं आ रही है फ़ोटो। तो आप यहां पर देख सकते हैं वो फ़ोटो आपकी यहां पर भी नहीं आ रही है। मतलब दोस्तों इसमें सिर्फ ऐसा है, अगर आप सेकंड कैमरे से आप फ़ोटो ओपन करेंगे तो वो फ़ोटो आपको यहां पर दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर फिर से मैं क्लियर करके ओपन करता हूँ सेकेंड कैमरे के, ये मैंने क्लियर किया। अब दोस्तों यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, ये मैंने ओपन किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फ़ोटो यहाँ पर बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रही है। आप इससे फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल भी ओपन नहीं होगी। अब दोस्तों मैं रियल बता दूँ, ये चीज़ है क्या, सेकंड कैमरा नाम का ऑप्शन इसमें क्यों आया, ये एंड्रॉयड 14 के अपडेट के बाद से जो है सिर्फ एक बग से, कुछ भी नहीं है। इसमें क्या था, मेरे जो इन्फिनिक्स नोट 35G स्मार्टफोन है इसमें सबसे पहले क्या था,
जो हमने एंड्रॉयड 14 का अपडेट किया था उसमें हमारा जो गूगल मैप रहता है ना वो भी डबल हो गया था, डुप्लीकेट हो गया था, डुअल ऐप क्लोन हो गया था। बट उसके बाद दोस्तों इसमें जो है हमने एक और बार इसे जो है रिस्टार्ट किया, रिबूट किया, तो उसके बाद से वो गूगल मैप हट के इसमें कैमरे वाला ऑप्शन आ गया, क्लोन वाला ऑप्शन आ गया, कैमरा सेकेंड वाला ऑप्शन आ गया। तो ये भी जो है बग से अगले अपडेट में हो सकता है ये जो है फिक्स हो जाए, हट जाए। सिर्फ ये बग से कुछ नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं कि भाई इसमें फर्क है तो इसमें कुछ दिक्कत है जो हमारा एक इन्फिनिक्स ने न्यू फीचर्स दिया, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ न्यू फीचर्स नहीं दिया, सिर्फ ये कैमरे वाला जो है बग से जिसके भी डुअल एप्स हो रहा है, सिर्फ ये एक बग से। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।